जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अग्निवीर आर्मी भर्ती के जिन एआरओस में अभी तक फॉर्म नहीं खुले हैं वो कब तक खुलेंगे वो बताऊंगा और रैली डेट बताऊंगा। लगभग दोस्तों जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लेके पंजाब, पंजाब से लेके हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश दोस्तों, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन सभी में अभी फॉर्म नहीं खुले हैं। कुछ ही एआरओस में खुले हैं और कुछ एआरओस में नहीं खुले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जिन एआरओस के नहीं खुले हैं कब तक खुलेंगे वो रैली डेट बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना दोस्तों। काफी लड़के हैं, मैंने वीडियोस में उनकी रैली की डेट भी बताई होती है, फॉर्म डेट भी बताई होती है, वो तब भी कमेंट करते हैं, उनको पता नहीं किस बात की जल्दी होती है। वीडियो थोड़ी सी देखते हैं और नीचे कमेंट कर देते हैं हमारी रैली भर्ती कब है। उसी वीडियो में मैंने उनकी रैली डेट बताई होती है मगर पूरी नहीं देखते। इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें जिन भी राज्य में जिन भी एआरओस में फॉर्म नहीं लगे हैं लगभग 100% सभी के कवर किए हुए हैं। सभी रैली सभी एआरओस की मैंने डेट बताई हुई है कि कब आपकी रैली है, कब तक फॉर्म खुलेंगे, तो वीडियो देखना। और आपको परेशान नहीं होना है कि हमारे फॉर्म क्यों नहीं खुल रहे हैं, उनके खुल गए, आपकी जो रैली है वो लेट होने वाली है, उनकी रैली पहले थी तो उनके फॉर्म इसलिए पहले खुले हैं, बाकी एआरओस के। अगर आपकी अभी फॉर्म नहीं खुले हैं तो आपको घबराना नहीं है, जब तक आपका आर्मी दोस्त भाई है तो किसी भी राज्य में अभी फॉर्म खुलेंगे तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। जो फॉर्म खुले थे वो भी आपको मैंने सबसे पहले बताया था, आगे जब खुलेंगे तो वो भी सबसे पहले बताएंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है कि फॉर्म वाली दुकान पे डेली चले गए कि हमारे फॉर्म खुले या नहीं खुले, उनको पूछना, उनको भी परेशान करना और खुद भी परेशान होना। एक मात्र उपाय है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके एआरओ किसी भी एआरओ के फॉर्म खुले तुरंत इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। चलो अभी आपको बताते हैं कि कौन कौन से एआरओस की रैली कब है और फॉर्म कब तक खुलेंगे। सबसे पहले जो एआरओ है वो है दोस्तों एआरओ शिमला हिमाचल प्रदेश का, इसकी जो रैली डेट है वो है 12 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर को, इसकी रैली डेट है, जो दौड़ आपकी होगी इस डेट को होगी एआरओ शिमला हिमाचल प्रदेश की। इसके जो फॉर्म है लगभग अगस्त के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक में खुलने वाले हैं, बात ध्यान में रखें। इससे पहले कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं दुकान पे फॉर्म भरने वाली या किसी को फोन करके परेशान करना कि हमारे फॉर्म कब खुलेंगे। लगभग अगस्त के सेकंड वीक तक आप वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी आपके फॉर्म खुलेंगे इसी चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अंबाला दोस्तों, ठीक है, जेड आर ओ अंबाला हरियाणा का जो है, ठीक है, जेड आर ओ है, इसकी जो भर्ती है वो 24 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर 2022 को होगी। लगभग दोस्तों एंड अगस्त में इसके फॉर्म खुलेंगे, जो एंड का अगस्त का दोस्तों वीक है उसमें खुलेंगे, ठीक है। आपको कहीं और नहीं जाना है, बस आपको अपनी दौड़ पे तैयारी रखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तुरंत आपको बता दिया जाएगा जब भी आपके फॉर्म खुलेंगे। फॉर्म डेट आप ध्यान में रखना कि अगस्त के एंडिंग में ही आपके फॉर्म खुलेंगे जेड आर ओ अंबाला हरियाणा का, ठीक है। उसके बाद चाकरी दादरी हरियाणा की, इसकी जो भर्ती है वो 12 से लेके 25 नवंबर 2022 को है, लगभग दोस्तों सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म खुलेंगे। इससे पहले फॉर्म नहीं खुलने वाले हैं और इससे पहले आपको परेशान नहीं होना है, जब भी खुलेंगे इसी चैनल पे बताएंगे, तैयारी रखो दौड़ पे, ठीक है। और बाकी आगे विषय जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, भर्ती आपकी लेट है। एग्जाम आपको बता दूं इसका जनवरी में होगा 2023 में, ठीक है। एग्जाम भी मैं आपको अब साथ साथ में बताऊंगा कि एग्जाम कब होगा। उसके बाद रोहतक हरियाणा की जो भर्ती है वो 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर को इसकी दौड़ होगी और फॉर्म लगभग जो सेकंड वीक होता है ना सितंबर का उसमें खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुलने वाले, और एग्जाम इसका जनवरी 2023 को होगा, 15 जनवरी 2023 को एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें दानापुर दोस्तों आपको मैं बता दूं बिहार, दानापुर बिहार की जो भर्ती है वो है 7 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर दानापुर बिहार की जो भर्ती है, इसका लगभग फॉर्म फर्स्ट वीक अगस्त में खुलेंगे और इसका जो एग्जाम है वो मैं आपको बता दूं वो 13 नवंबर 2022 को होगा, 13 नवंबर 2022 को होगा। उसके बाद एआरओ गया, ठीक है, एआरओ गया बिहार का एआरओ है, इसकी जो भर्ती है वो 2 से लेके 15 नवंबर 2022 को होगी, लगभग लास्ट वीक अगस्त में इसके फॉर्म लगेंगे और फर्स्ट सितंबर में भी लग सकते हैं, ठीक है। इन दो वीक्स में आपके फॉर्म लगेंगे, इससे पहले फॉर्म नहीं लगने वाले, और इसका जो एग्जाम है वो होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो होगा दोस्तों 15 जनवरी 2023 को, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर बिहार का 21 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आपकी दौड़ होगी और जो फॉर्म डेट है वो लगभग दोस्तों अक्टूबर में लगेंगे, फर्स्ट वीक आप अक्टूबर में शुरू होंगे मुजफ्फरपुर बिहार। इससे पहले आपके एग्जाम नहीं लगने वाले, इससे पहले आपको परेशानी होना है, आपको दौड़ लगानी है, फॉर्म जब भी खुलेंगे इसी चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद कटिहार बिहार का जो एआरओ है, ठीक है, 7 से लेके 20 दिसंबर 2022 को इसके दौड़ होगी और लास्ट वीक अक्टूबर में इसके फॉर्म लगेंगे, एग्जाम आपका 15 जनवरी 2023 को होगा, ठीक है।
और उसके बाद दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश ग्वालियर की, 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर को भर्ती होगी मध्य प्रदेश ग्वालियर, ठीक है। इसकी जो आपकी फॉर्म लगेगी वो 1 अगस्त में लगेगी और एग्जाम आपकी जो होगी वो होगी 13 नवंबर 2022 को। उसके बाद दोस्तों बात करें भोपाल मध्य प्रदेश की, भोपाल मध्य प्रदेश की 27 अक्टूबर को आपकी भर्ती होगी और 6 नवंबर तक आपकी दौड़ होगी। फॉर्म लास्ट अगस्त के एंडिंग में लगेगा, ठीक है, लास्ट वीक अगस्त की। और जो एग्जाम है वो आपका होगा दोस्तों लगभग आपका एग्जाम 15 जनवरी 2022 को होगा। उसके बाद रायपुर छत्तीसगढ़ की जो भर्ती है वो 13 से लेके 22 नवंबर 2022 को भर्ती होगी और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म लगेंगे और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 15 जनवरी 2023 को एग्जाम होगी। उसके बाद राजस्थान कोटा एआरओ की बात करें तो कोटा एआरओ की भर्ती 1 से लेके 14 नवंबर 2022 को होगी, फॉर्म डेट एंड अगस्त में होगी, ठीक है। एंड अगस्त में अगर नहीं आई तो फर्स्ट वीक सितंबर में जरूर आएगी और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 15 जनवरी 2023 को इसकी एग्जाम डेट है, ठीक है। और उसके बाद बात करें जोधपुर राजस्थान की जो रैली डेट है वो 28 नवंबर से लेके 12 दिसंबर 2022 को होगी, इसकी जो फॉर्म डेट है वो लगभग फर्स्ट वीक आप अक्टूबर में ही आएगी और एग्जाम आपकी 15 जनवरी 2023 को ही होने वाली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें जम्मू एआरओ की जो रैली है वो 7 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर 2022 को होगी, फर्स्ट वीक अगस्त में इसके फॉर्म आएंगे, ठीक है। उसके बाद पंजाब फिरोजपुर 1 से लेके 16 नवंबर 2022 को आपकी दौड़ होगी और फॉर्म डेट लगभग आपकी आएगी सितंबर की एंडिंग में फॉर्म डेट आएगी। उसके बाद जलंधर पंजाब 21 नवंबर से लेके आपकी 5 दिसंबर को आपकी भर्ती होगी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके फॉर्म आएंगे, ठीक है। उसके बाद कटक ओडिशा की बात करें तो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर को आपकी भर्ती होगी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके फॉर्म खुलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें गोपालपुर ओडिशा की, इसकी जो फॉर्म डेट है वो 1 से लेकर 7 नवंबर को आपकी दौड़ होगी, लगभग अगस्त के एंडिंग में आपके फॉर्म खुलेंगे, लास्ट वीक ऑफ अगस्त के, ठीक है। और उसके बाद बहरकपुर वेस्ट बंगाल, इसके 16 से लेके 24 नवंबर 2022 को भर्ती होगी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आपके फॉर्म खुलेंगे। और उसके बाद दोस्तों सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की बात करें तो 28 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक आपकी दोस्तों रैली डेट है और लगभग अक्टूबर की फर्स्ट वीक को आपके फॉर्म खुलेंगे। कोलकाता एआरओ की बात करें तो कोलकाता जेडआरओ की बात करें तो 10 से लेके आपको मैं बता दूं 20 तक आपकी भर्ती चलेगी, 10 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक भर्ती चलेगी और लगभग आपकी अक्टूबर तक आपकी फॉर्म खुलेगी फर्स्ट वीक तक। और उसके बाद लखनऊ जेडआरओ की बात करें तो दोस्तों 28 से लेके आपकी 10 नवंबर तक भर्ती चलेगी, लगभग आपके 2 अगस्त में फॉर्म आपके खुलेंगे। और बात करें अमेठी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक आपकी जो भर्ती दौड़ होने वाली है और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके फॉर्म खुलेंगे। उसके बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपकी दौड़ होगी, लगभग सितंबर के ही सेकेंड वीक में फॉर्म खुलेंगे। और अहमदाबाद दोस्तों गुजरात की बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आपकी भर्ती होगी और जो फॉर्म खुलेंगे वो लगभग सेकेंड वीक अगस्त में खुलेंगे। और जामनगर गुजरात की बात करें तो आपकी 20 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 तक आपकी दौड़ होगी, एंड अगस्त में आपके फॉर्म खुलेंगे। और लगभग आपके जो लास्ट भर्ती और आखिर जो भर्ती है वो है कोल्हापुर, ठीक है, इसकी जो भर्ती होगी ये यार कोल्हापुर की भर्ती होगी 22 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 को ये भर्ती होगी और एग्जाम लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में खुलेंगे। अगर आपके एआरओ का नाम इसमें मैंने नहीं बताया तो आपके एआरओ के फॉर्म खुल चुके हैं, आपके एआरओ के भर्ती डेट आ चुकी है, फॉर्म खुल चुके हैं। अगर मैंने आपके एआरओ का नाम लिया है, अभी तक आपके एआरओ के फॉर्म नहीं आए हैं, जब भी आएंगे इसी चैनल आर्मी 2 चैनल पे बता दिए जाएंगे।